इतना आपके हाथ से करके दिखाएं इशारे से कितना तकरीबन इतना होगा छोटा बच्चा नुकसान दे सकता है इंसान को। नहीं 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 पाल रहे हैं ये बैरिया वाले पैरी वाले मगरमच्छ पाल रहे हैं आपको पता ही है लोग आस्तीन का सांप पालते हैं या मगरमच्छ पाल रहे हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे। भाई डैम आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा हब डैम, आप लोगों ने देखा होगा ठड्डो डैम, आप लोगों ने डैम, लेकिन आज हम आपको जो डैम दिखाने वाले हैं खूबसूरत डैम है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब दिल चाह रहा है बस मैं यहीं से छलांग लगा के डुबकी लगा दूं। कैसा कैसा पानी है यार, चस आ गई उस्ताद है? मैंने तो जिंदगी में इतना साफ पानी नहीं देखा। नहीं देखा? मैं तो गटर से, मतलब मैं नॉर्थ कराची से आ रहा हूँ, वहाँ पे तो गटर का पानी बहता है ना, बहता बहता भी है तो गलियों में हमारे। तो चल के अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल, नाल। ये देखिए आप लोग, ओफ आया है, ये नजारा देखिए, फिरोजी पानी, ये है डैम, ठीक है जी, ये डैम से भरा, ये पानी से भरा हुआ डैम। अब ये ऑब्वियसली हब डैम जितना डैम नहीं है, लेकिन देखें आप खूबसूरती देखें इसकी आप जरा। और फहद भाई डैम देख के क्या कहते हैं? दीवाना हूँ दीवाना दीवाना, मैं तो पागल हो चुका हूँ ये जगह। बस अब एक चीज की कमी है, बस वो बेगम वो चीज जो हाथ पकड़ी होगी, हाथ पकड़ेगी, हाथ पकड़ के डुबोएगी पानी में। डुबोएगी यहाँ पे बारबेक्यू बनाने की जगह, वहाँ पे बैठने की जगह, मतलब भाई ये नेक्स्ट लेवल कर दिया यार इन्होंने। चले नीचे, चले आ जाओ, चलो यार नीचे चलते, बस बहुत हो गया मुझसे बर्दाश्त। पानी पानी देख के पास खड़े हैं वहाँ पे। तो देखिए आप लोग डैम, डैम तकरीबन जितने भी हैं ना कराची के, वो सारे फुल हो चुके हैं, ठीक है भाई, फुल हो चुके हैं। इसके साथ ये प्रेसेंट 22 के अंदर है ये, और ये साथ इसके इसका एक पार्क का हिस्सा है, ये पार्क व्यू है। और अभी आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाते हैं, जगह बड़ी हसीन है, और जो हसीन मौसम है उस हसीन मौसम के एतबार से मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और फहद को, फहद तो देख के जो है ना इस जगह को गाना गा रहा है। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं अभी कूद जाऊँ इधर है, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अभी कूद जाऊँ इधर, और मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत हो गया, बहुत हो गया है। पानी कैसा साफ, पानी ऐसा साफ है, बकायदा अंदर का दिख रहा है यार, है ना, क्या साफ पानी है। देखा फिर, थैंक यू बोलो। ये तीन लड़के जो है यहाँ पे लेटे हैं, फहद ही बैठ गए यहाँ पे, फहद ही बोला जी मज़ा आ गया। खैरियत से यहाँ भाई? बिल्कुल खैरियत से है। ये क्या सीन है यहाँ पे, ये डैम के अंदर सुना है मगरमच्छ छोड़ा हुआ है? हाँ छोटा मगरमच्छ छोड़ा हुआ है। देखा आपने? हाँ परसों देखा था हमने शाम में। कितना बड़ा होगा? मतलब छोटा है, बच्चा है अभी तो। बच्चा घूम रहा है इधर जी? हम रेजिडेंट है, पेशेंट आने में रह रहे हैं। अच्छा, पिछले तकरीबन, मतलब ये ऐसे कोई वो है नहीं है, ऐसी बनाई हुई बात नहीं है? नहीं नहीं बनाई हुई बात नहीं है, वाकई में छोड़ा हुआ, उधर जाना नहीं देते। अच्छा, उधर घूमने जाएंगे तो रोक लेंगे। छोटा मतलब कितना आपके हाथ से करके दिखाएं इशारे से, कितना तकरीबन इतना होगा छोटा बच्चा, नुकसान दे सकता है इंसान को। नहीं 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 पाल रहे हैं ये बैरिया वाले, बैरिया वाले मगरमच्छ पाल रहे हैं, आपको पता ही है, लोग आस्तीन का सांप पालते हैं या मगरमच्छ पाल रहे हैं। यार बड़े चूड़ी हुआ। हाँ ये भाई भी बैठे हैं, क्या ये अजीब है, ये कैसे हैं आप? ठीक है, लड़का लड़के के हाथ में बाल फेर वो देखिए छेड़े क्या कर रहे हैं। अक्षरों का हाला यही होता है ना, हम ठड़क तो पूरा करें ना, लड़की को मिले, लोग बना रहे हैं यार। ये भाई भी भजन कैसे, मजा आ रहा है फिर? इसका दिल कर रहा है नीचे, मुझे बार बार कह रहा है गहराई कितनी है भाई, नीचे से उठा के ना वो कैंकर उठा के पहन रहे। मगर मैं नजर यहाँ से आता है कभी कभी, शाम में निकले पर पीछे हो गया अभी, क्या अंदर अंदर चले जाते, गहराई में चले जाते हैं, तकरीबन कोई 20 फीट जो है ना गहराई है दरमियान में। अच्छा हाँ जी, तो ये के अंदर चला, अंदर जाके घूमता रहता है फिर बाहर निकल के आ जाएगा। अच्छा यार ये हैरत की बात है, लोग किसी को बताएंगे ना मानेगा नहीं, वो इसलिए नहीं मानेगा पानी साफ है, है ना, पानी साफ, ये गंदे पानी में होता है, गंदे पानी में होता है, इधर भी होता है। एक हमारे मंगू पीर में है मगरमच्छ, क्या कहेंगे फहद भाई, मगरमच्छ है यहाँ पे, हमें तो मगरमच्छ ही है, आप मगरमच्छ को खा नहीं जाएंगे? खा लेंगे मगरमच्छ तो, हमने सब खा लिया तो मगरमच्छ। सही हो गया भाई, यहाँ भाई बता रहे हैं सारे कि यहाँ मगरमच्छ है। आप सिंधी हैं? मैंने सिंध से ज्यादा खूबसूरत पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं देखा। नहीं भाई, ये मैं लिटरली कह रहा हूँ, सिंध से ज्यादा। अभी मैंने एक जगह मैंने विजिट करना है, नगू क्या था, पार्कर है, नगर पार्कर। क्या जगह यार, इंशाल्लाह मैं 14 अगस्त को जा रहा हूँ उधर, और मैं वैसे हूँ ब्लॉगर ही। अच्छा, और हम पंजाब साइड से हैं। अरे ठीक है, उधर का मौसम इतना सही,
बतिया मौसम बना हुआ है ना, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह, आप उसमें देखें तंदूर की बात कर रहे हैं शायद अपना। देखें आप लोगों को ये जो एज नजर आ रहा है ना, या तो ये अभी परिंदा है पानी के अंदर चला जाता है, ये मछलियाँ ढूंढने के लिए ये पानी के अंदर चला जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता है सांस लेने के लिए, बाहर आता है, अंदर जाके मछलियाँ ढूंढ रहा है भाई। ये अद्भुत शक्तियों का मालिक है ये तो। कहाँ चला गया भाई, एक सेकंड बाहर आएगा दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये रही, ये फिर आ गया बाहर, ये रहा। हम दूर से हमें लग रहा था मगरमच्छ है, लेकिन मगरमच्छ नहीं, इसको मगरमच्छ पकड़ क्यों नहीं रहा, इसको ये समझ नहीं आ रहा। ये इसको मगरमच्छ देख के बोल लो भाई ये। वो देखें हम, अब हमें इतनी दूर से नज़र आ रहा है ये इस तरह से, ये मैंने जूम इन करके बड़ी कोशिश की कि दिखाऊं मैं, ये फिर चला गया। देखें ये गया पानी के अंदर। वाह 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 वाह, इनके लिए भी वाह। हाय हाय। तो भाई ये था यहाँ का डैम, बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं, वो सामने पार्क है, प्रेसेंट 22 के अंदर है ये। लेकिन प्रेसेंट 22 के इस लोकेशन को ना हर बंदा नहीं जानता, अगर आप किसी को पूछेंगे भी ना तो मुश्किल से, अगर आप आएंगे जिना एवेन्यू से जो रोड है वहाँ से प्रेसेंट 22 के अंदर टर्न होंगे, कोने पे गोल्फ की बड़ी सी बॉल लगी हुई है, वहाँ टर्न होकर अंदर आएंगे पूछेंगे तो फिर यहाँ तक पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आइएगा तो जगह गंदा नहीं करिएगा, जगह बहुत साफ़ सुथरी है। लेकिन नीचे उतरने की गलती भी मत करिएगा, नीचे वाकई में इन्होंने मगरमच्छ छोड़ा हुआ है इस पानी के अंदर। हमने बड़ी कोशिश की कि मगरमच्छ नज़र आ जाए, हम उसका वेट कर लें कि नज़र आ जाए, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। ये तीन मगरमच्छ यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मगरमच्छ में नज़र नहीं आया। अलबत्ता मछलियाँ वगैरह हैं, और हमने ये और भी लोगों से पूछा है, गार्ड वगैरह से ही पूछा है लोगों, तो कह रहे भाई नीचे जाना अलाउ नहीं है, नीचे मगरमच्छ है, अगर आप उतरेंगे तो कोई आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो बात है कैसा रहा फिर? बहुत मज़ा आया, दिल खुश हो गया, खुश हो गए, दिल से दुआ निकल रही है, सुकून मिल गया यार। क्या क्या दुआ निकल रही है मेरे लिए? ये दुआ निकल रही है अल्लाह आपको कामयाब करे, हाँ, और अल्लाह आपकी और शादी करे। क्या पानी देखिए कितना फिरोजी हो रहा है, और ज़बरदस्त एक ये वो है डिस्कवरी है यहाँ की। और अब यहाँ से हम लोग अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, गाड़ी पे जाके बैठेंगे। ये अपनी गाड़ी नहीं है, वो अपनी गाड़ी है। आप मौसम देख सकते हैं क्या सीन। सब्सक्राइब ईट एंड डिस्कवर, ये देखें जी, ईट एंड डिस्कवर सब्सक्राइब, ठीक है जी, फेसबुक यूट्यूब सब जगह पे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, है ना फिर मज़ा। चलो भैया आ जाओ गाड़ियाँ बैठते हैं, और अब इमली सागा की शूट पे चलते हैं आगे। भाई डैम की वीडियो हम लोगों ने बना ली, बहुत मज़ा आया डैम की वीडियो बना के। आप लोगों का देखने का शुक्रिया, आप लोगों का टाइम निकालने का शुक्रिया, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी हम लोग जा रहे हैं इमली सागा की शूट पे। इमली सागा क्या है? इमली सागा हमारा एक नया चैनल है जिसपे हम लोगों ने अपना जो है उस पर ड्रामा आ रहा है, उसके अंदर भी वेब सीरीज़ है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है उसके अंदर साथ साथ, तो उसको भी सब्सक्राइब करें या शेयर करें। फेसबुक के ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर है, IMLI इमली SAGA सागा, इमली सागा, उसमें बहुत मेहनत हो रही है। इस पर एक हॉरर सीरीज़ शूट हो रही है जो बहुत जल्द आने वाली है, तो उसमें फहद भी हैं, मैं भी हूँ, और भी कुछ लोग आएंगे, तो वो लाजमी देखिएगा और उसको प्रमोट भी कीजिएगा भी। अपना बहुत ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फहद भाई अल्लाह हाफिज़।